दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली की अद्भुत पारी के बाद आया रोहित शर्मा का बड़ा बयान। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कहा कुछ ऐसा, जीत लिया सबका दिल। विराट कोहली के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, सच में उसे सुनकर आप भी रोहित को दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या कहा है रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर, क्यों हो रहा है उनका ये बयान वायरल, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी विराट कोहली की बाजी की, तब किंग कोहली अपनी फॉर्म में वापस लौटते हुए उन्होंने ये बताया कि आखिर उन्हें दुनिया का इतना खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज क्यों मानती है। बता दें कि ओपनिंग करने आए विराट कोहली ने अंत तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने अपनी 73 रनों की पारी में 44 रन तो केवल बाउंड्री से बनाए। उन्होंने 8 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और 2 दफा दर्शकों के बीच आज आरसीबी को सपोर्ट करने पहुंचे सभी प्रशंसक केवल खुशी से झूमते ही दिखाई दिए, क्योंकि आज उनका सबसे ज्यादा खिलाड़ी मैदान पर आग उगल रहा था और कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी ही रही जिसकी बदौलत बेंगलोर ने एक बेहद ही मास्टर बीन मुकाबले में गुजरात जैसी मजबूत टीम को 8 गेंद शेष रहते ही एक करारी शिकस्त दी। हालांकि दोस्तों, आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से भी जमकर तूफान निकला और केवल 18 गेंदों में 40 रन की तूफानी पारी खेलते हुए उन्होंने 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। और इस तरीके से आरसीबी ने अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को अब भी बरकरार रखा है। वहीं विराट कोहली के फॉर्म में आने से भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा भी बेहद खुश दिखाई दिए। जी हाँ दोस्तों, जब रोहित से ये सवाल किया गया था कि क्या विराट कोहली को कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, तब इस पर भारतीय टीम के कैप्टन हंसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनका कहना था कि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा वो हमेशा ही फॉर्म में थे, भले ही वो शतक न लगा पाए लेकिन उन्होंने टीम के लिए हमेशा ही रन बनाए। अगर कोई खिलाड़ी शतक नहीं लगा पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका रन महत्वपूर्ण नहीं है। विराट दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। जिस तरीके से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो हमेशा से ही मुझे लय में दिखाई दिए। कभी कभी खिलाड़ी की किस्मत भी खराब होती है जो उनका साथ नहीं देती, और आज वो बेहतरीन इंटेट के साथ साथ किस्मत के भी धनी थे। जिस तरीके से उन्होंने काबिले तारीफ बल्लेबाजी की है, विराट किसी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली पर अपनी बातें कहते हुए रोहित शर्मा ने बड़े बेबाक अंदाज में अपना बयान दिया है। उनकी बातें सुनकर सच में आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हिटमैन का ये मानना है कि विराट कोहली कभी आउट ऑफ फॉर्म हुए ही नहीं। वैसे भी जिस तरीके से आज कोहली ने लाजवाब बल्लेबाजी की, सच में उनको देखकर तो ऐसे ही लगा कि विराट कोहली का रिदम कभी खराब नहीं हुआ। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है, आने वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।